Hey friends, it's Rosie Jaffrey and welcome back to my channel SAR World Hobby Garden. Today my topic is about Malabar Spinach. और इसका botanical name है Basella alba. और इसे हिंदी में हम पोई कहते हैं. इसका टेस्ट बिल्कुल पालक की तरह है लेकिन ये पालक से बहुत ज़्यादा हेल्दी. 100 ग्राम न्यूट्रिशियस है. 100 ग्राम में 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.3 ग्राम फैट, प्रोटीन 1.8 ग्राम और 50% विटामिन ए पाया जाता है और कैल्शियम 11% और मैग्नीशियम 18% पाया जाता है. और अब मैं इसके फायदे की बात बताती हूँ आप. इसमें आयरन की परसेंटेज काफ़ी पाई जाती है इसलिए ये होमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करता है और ख़ास करके उन वीमेंस के लिए जिनमें होमोग्लोबिन की कमी होती है वो 10 से 15 पत्ते इसके तोड़ लें और मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है उसके साथ इसकी सब्जी बनाकर खाएं. 10 से 15 दिन में ही 4 से 5% तक होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा. और उन बच्चों के लिए जो मोबाइल या कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर बड़े भी उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है. जैसे ज़्यादा देर तक यूज़ करने से सर पे चिड़चिड़ाहट होना या सर पे भारीपन महसूस होना, सर में दर्द होना, गर्मी जैसा लगना, उसके लिए भी इसमें 10-15 पत्ते को तोड़कर उसका जूस निकाल लें और आधा पी लें और आधे को सर के ऊपर लेप लगा लें, स्कैल्प के ऊपर अच्छे से लेप कर लें और छोड़ दें थोड़ा देर. इससे क्या होगा कि ठंडक मिलेगी सर में और काफ़ी रिलैक्स मिलता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है और ये बहुत सुकून मिलेगा. और अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो आप इसको ठंडे के सीज़न में यूज़ नहीं करें वरना लेने के देने पड़ जाएंगे आपको. और हाँ फ्रेंड्स, अब इसको ग्रो करने की बात कर लें तो इसे ये बहुत आसानी से ग्रो होता है, इजीली ग्रो होता है, लो मेंटेनेंस पौधा है ये. और इसे अगर हम ज़मीन में लगाएं तो ये काफ़ी बढ़ती है वाइन इसकी, अच्छी घनी होती है और काफ़ी दिनों तक चलती है. लेकिन हम इसे प्लांटर में भी लगा सकते हैं और शेडेड एरिया में भी लगा सकते हैं. हमने तो बालकनी में ही लगा रखा है और इसे काफ़ी दिनों से इसमें धूप भी नहीं आ रही है. अभी जो ठंडे का मौसम चल रहा है, कोहरा और सर्दी वगैरह से, तो अभी धूप भी इसमें नहीं लग पा रही है. लेकिन ये जो पत्ते मुरझाने से लग रहे हैं हमारी वाइन्स वगैरह, तो ये जो हमारे घर गार्डन में चिड़िए और गिलहरी चूहे जैसे बहुत सारे दुश्मन हैं हमारे पौधे के. देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं हमारी टर्टिल वाइन, इसको काट के गिलहरी या चूहे ने गिरा दिया है पूरा नीचे. इतनी बेहतरीन चल रही थी ये, खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसको काट के देख रहे हैं अब नीचे गिरा हुआ है, सबको काट के गिरा दिया रातों रात. तो अभी ये इसकी भी देख रहे हैं पत्ते वगैरह मुरझाए हुए, इसे भी कबूतर या कौवे वगैरह सब करते रहते हैं नुकसान. और घोंसला भी लगा रखा है इसमें, कभी स्पॉटेड डब लगाती हैं तो कभी पिजन है. अभी इसमें दो बच्चे हैं इसके छोटे छोटे से. और हम इसको बीज के ज़रिए ग्रो करते हैं. जो आप इसमें देख रहे हैं काफ़ी सारी इसमें बीज आई हुई हैं और ये पर्पल कलर की हो जाती हैं पकने के बाद, आपको दिख रहा है ये. तो इसे हम तोड़ के रख लेते हैं, सुखाने के बाद इसे फिर हम आसानी से ग्रो कर लेते हैं. इसे ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी मिट्टी को नॉर्मल सॉइल में ही हम ग्रो करते हैं लेकिन थोड़ी सी उसमें कम इसकी काउ डंग की कंपोस्ट और इसके कंपोस्ट वगैरह मिला देते हैं तो बहुत अच्छे ग्रो होता है ये. बहुत अच्छे से इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, बढ़ती हैं और ये काफ़ी दिन रहेंगी. और आप उन के लिए बहुत ये यूज़फुल है जिन्हें सब्ज़ी लगाने का शौक, सब्ज़ी के प्लांट पौधे लगाने के शौक़ हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है. और हाँ, अगर मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली, नॉलेज मिली हो, पसंद आई हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़. और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अगर कर लिया तो थैंक्स लॉट. डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें और हाँ, अपना ख्याल रखिए.
सी यू अगेन, बाय। आज के लिए इतना ही।